आज शायद आप कुछ बोल रहे हैं कि आज क्या है, आज कुछ है क्या? आज तो बताइए आज क्या है। आज वो तो है लेकिन और भी कुछ था। तो गाइस फाइनली इनको मिला है फर्स्ट। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको सेकंड मिला है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम और ये रेडी हो चुके हैं और मैं जा रहा हूँ अभी अपने स्कूल में। स्कूल में जाने के बाद से वहाँ पे है एनुअल फंक्शन, तो उसको जल्दी से सेलिब्रेट करके हम लोग शाम में, हो सकता है कि कुछ पार्टी हो, तो बस आप लोग बने रहिए। और आज सुबह से रंजना क्या की है वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और कल रात में हम लोगों ने जो क्या मनाया था एनिवर्सरी, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिए। अभी नेक्स्ट जो है ना, अभी मुझे खुद नहीं पता है कि अभी स्कूल में कैसा होने वाला है प्रोग्राम, लेकिन आप लोगों को वो क्लिप देखने को मिल जाएगा। और आज मैं काफ़ी स्मार्ट लग रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा दिख रहा हूँ कैसा नहीं, क्योंकि मेरे में ना छोटा बाल थोड़ा अच्छा लगता है। पहले मैं ना बाल पूरा खड़ा करके झाड़ता था, अब थोड़ा सा इसको ये कर दिया। और ये ब्लेजर तो काफ़ी मस्त है, ये कहाँ पहने थे आप लोग कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। और रंजना भी ये पहनी है अभी, बाद में ये चेंज हो सकता है, तो देखते हैं अभी। तो सबको गुड मॉर्निंग। और फिर अभी मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं चल रही हूँ जल्द से जल्द पूजा करूँगी, क्योंकि आज मेरा है रिंग एनिवर्सरी। तो अभी तो मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं, तो अभी उन्हें सोने देते हैं। बाकी आज देखते आज का प्लान क्या है, तो देखने को आप लोगों को मिलेगा। बाकी मैं भी चल रही हूँ बाहर। तो फाइनली यहाँ पे हो चुका है आयरन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती एकदम बिछौना पे किया गया है। तो बिछौना पे भी कर, बिछौना मतलब बेड पे गद्दा पे मस्त कर रही है भैया का कपड़ा। अभी हमको नहीं लग रहा है उतना परफेक्टली हुआ है, क्योंकि इसमें वो ना मुश्किल है, पर फिर भी पूरा ट्राई किया अपना। ये ना गद्दा पे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, इसके लिए चाहिए एकदम। तो आयरन हो गया, आप ले जाया जाए। आएंगे ले जाएंगे दीदी। मैंने तो बाल गोपाल को मैं चेंज करूंगी, क्योंकि यहाँ तो मैं पूजा कर ली हूँ, अब उसके बाद मैं जा रही हूँ जल्द से जल्द, देखते हैं नाश्ता में क्या बनेगा। तो जल्दी से नाश्ता बनाकर आप सबको दिखाती हूँ कि आज मेरे घर में नाश्ता में क्या बनेगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये फिरस बीन का भुजिया। ये सबको अपने अपने ड्यूटी भी जाना है। बाकी आज मौसम जब रहते हैं यहाँ, तो मुझे बाहर का नज़ारा देखना काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलिए कुछ आप सबको भी दिखा दूँ। तो अब मैं जा रही बनाऊँगी। बाकी तो यहाँ पे मैं और दीदी हैं, और आप कुछ बोलेंगी दीदी? आज शायद आप कुछ बोल रही हैं कि आज क्या है, आज कुछ है क्या? आज तो बताइए आज क्या है। आज वो तो है लेकिन और भी कुछ था, क्या है बताइए? नहीं पता, नहीं पता है, भूल गई। आज 24 फरवरी है, आज ही है।
एंगेजमेंट एनिवर्सरी। हाँ तो दीदी को अच्छा हमको ध्यान है कि 23 तारीख का, क्योंकि कल रात में ना वो हुआ था, हमको एक कॉल है ना इसका, कल ही हम लोग बात कर रहे थे एंगेजमेंट एनिवर्सरी। हमको पता नहीं, हमको याद है ना, हमारे दिमाग में बैठ गया कल रात, क्योंकि रात में 12 बजे के बाद तक। और पता है हम लोग तो 24 फरवरी, एक साल हो गया। हम सोचे थे कि देखते दीदी को पता है कि नहीं है, मेरे ध्यान में यही है कि कल है। अच्छा इसीलिए तो हमारे पूछे कि तुम बोली ना सैटरडे, हम सोचने लगे कि अरे यार सैटरडे है, हमको लगा कि दूसरा दिन है। कोई बात नहीं, तो अभी मैं और दीदी यहाँ पे हम लोग नाश्ता बना रहे हैं, ताकि तो अभी चाय वगैरह मिल जाए। एंगेजमेंट एनिवर्सरी 1 साल कंप्लीट हो गया। हाँ और मेरा जून में 5 साल कंप्लीट हो गया है। वाह तब तो अच्छा, 5 साल ऐसा, फिर फरवरी में 2 साल, अभी तो 4 दिसंबर को शादी, 1 साल होगा पूरा साल खत्म। एनिवर्सरी भी तो आ रहा है, मेरा एनिवर्सरी आएगा, एंगेजमेंट एनिवर्सरी आएगा, पहले मेरा एनिवर्सरी आता है उसके बाद एंगेजमेंट एनिवर्सरी। तो ऐसे कुछ होने वाला है धमाल, बाबू उठेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्या सेट होता है। तब तक आप मेरा यहाँ भुजिया भी होने वाला है, आप सुनते हैं थोड़ी देर में आप लोग से मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरा विंस का भुजिया कंप्लीट हो गया, और फिर उसके बाद में आलू और तंदूर का भुजिया बना रही हूँ। बाकी तो अब मैं यहाँ पे आलू और परवल का भुजिया बना रही हूँ। तो मुझे खुशी हुई कि सब लोगों को ध्यान में था, और सब लोग मुझे बहुत ढेर सारा ब्लेसिंग और प्यार दिए। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा सबसे छोटों से प्यार और बड़ों से आशीर्वाद हम पे बने रहे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सब लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको। और फिर अब उसके बाद मैं अब जा रही हूँ, चलते हुए थोड़ा रोटी बनाना है, क्योंकि पापा जी को नाश्ता देना है, कर लेंगे वो तो सही रहेगा। बाकी यहाँ पे अब सब्ज़ी वगैरह भी यहाँ मैं बना दी हूँ, आलू परवल का भुजिया। तो ये हो गया है, अब बस लास्टली रोटी बनाना है, तो बोलिए जल्द से जल्द बना दी यहाँ। तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और फिर यहाँ है कपड़ा जो कि आयरन करना है मुझे, तो अब मैं जा रही हूँ जल्दी से आयरन कर दूँ। बाकी अभी वो तो गाइस फाइनली यहाँ पे हो चुका है आयरन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती एकदम बिछौना पे किया गया है। तो बिछौना पे भी कर, बिछौना मतलब बेड पे गद्दा पे मस्त कर रही है भैया का कपड़ा। अभी हमको नहीं लग रहा है उतना परफेक्टली हुआ है, क्योंकि इसमें वो ना मुश्किल है, पर फिर भी पूरा ट्राई किया अपना। ये ना गद्दा पे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, इसके लिए चाहिए एकदम। तो आयरन हो गया, आप ले जाया जाए, आएंगे ले जाएंगे दीदी। हे गाइस, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, स्कूल में प्रोग्राम है तो वहाँ पे जा रहे हैं लोग। अरे हाँ, प्रिंस लेके आज जा रहे हैं, कल सचिन लेके गए थे, तो वो लोग आ रहे हैं पीछे से, और देखते हैं आज का प्रोग्राम का क्या है। और आप लोग भी देखिएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए लेके चल रहे हैं आप लोग को स्कूल में। सबको सम्मानित कर रही है, और वो एक दो आदमी और था ना 20 लोग का। Thank you.
तो गाइस फाइनली इनको मिला है फर्स्ट, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको सेकंड मिला है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी, एग्जाम की तैयारी करना है। और आपको? मुझे भी एग्जाम की तैयारी करना है, नेक्स्ट आगे करना। तो और आयुष आप भी आ जाइए, आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था और आपको सेकंड रैंक मिला है, ये भी मालूम है थोड़ा सा के लिए, क्योंकि फर्स्ट रैंक एक ही को मिला और एक्सप्रेशन के साथ जो है वो बच्ची की थी। वैसे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा था, आपको सेकंड पड़ाव के लिए लेके जाया जाएगा बहुत जल्द। साइंस एग्जीबिशन अभी होगा लेकिन अभी हमको लगता है थोड़ा टाइम है। तो कैसा लगा आज पूरा, मज़ा आया कि नहीं? बहुत ज़्यादा। आपको? बहुत ज़्यादा मजा आया, बहुत ज़्यादा मिला है। थर्ड रैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लोग एक ही साथ कर रहे थे पर तीनों लोगों को अलग अलग मिला, वैसे इनको फर्स्ट मिलना चाहिए। तीनों लड़ेगी सब अपने में, ये दोनों बहन है। फाइनली कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा, ये नहीं ये होता ये फाइनली ऐसा होता है। कार्यक्रम को आपने सराहनीय दी है और हमारे टीचर्स लोग इतने सपोर्ट किए, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मेरे जितने बच्चे आए हैं वो लोग भी खुश है इस प्रोग्राम से, इसलिए कि हर साल हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करना चाहिए स्कूल में। तो गाइज़ अभी आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं घर आ चुका हूँ और घर लगभग अभी बज रहा है 6:20 सुबह का, गए हुए अभी हम आए हैं और देखते हैं कि अभी क्या क्या ब्लॉग बना है क्या नहीं बना है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, आई लव यू ऑल। और इतना ज़्यादा विशेस किए आप लोग, इतना अच्छा कॉन्ग्रेचुलेसन बोले, थैंक यू सो मच। और घर आते देख सकते हैं आप लोग कि रंजना हमारा आज सेवा कर रही हैं, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, आज थोड़ा खड़ा हो गए थे ज़्यादा देर तक, इस वजह से थोड़ा सा ये बोली कि आइए आपका हम पैर दबा देते हैं और आज का दिन बहुत ही अच्छा है, तो हम बोले ठीक है भाई। पर यहाँ पे इन्होंने कुछ किया है कारनामा जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।